દીકરીઓ માટે ખાસ આ જોવા જવું જોઈએ અને ભણતા શીખવાડવા. મોબાઈલ માં પાડશે. જોયું છે ઇન્ટરવ્યુ હાલા, ઇન્ટરવ્યુ જોયું છે પિક્ચર, ઇન્ટરવ્યુ હાલા બહુત અચ્છી હૈ પિક્ચર. મેરે હિસાબ સે દેશ કી હર એક લડકી કો યે પિક્ચર દેખના ચાહીએ, ઉનસે ઉનકા કોન્ફિડન્સ બહોત બઢેગા, બહાર જાને કી હિંમત આયેગી ઓર કોઈ ભી લડકા ઉસસે સામને આંખ ઉઠા કે દેખને કી હિંમત નહીં કરેગા. અચ્છી થી મૂવી યા બનતી રહેના ચાહીએ, બહોત અચ્છી થી અચ્છે થે. अच्छी लगी मूवीज, अच्छी लगी. लेडीज लोग को अपने पाँव पे खड़ा रहना चाहिए लड़ाई में, कुछ ऐसा फाइट. अच्छा गाना था, मूवी वॉज वेरी नाइस. बेटियों की बल्ले बल्ले मूवी वॉज वेरी नाइस. बेटियों के बल्ले बल्ले The picture is very nice. मैंने सीखा हमको कराटे आना ही चाहिए, इससे ना पता चलता है कि लड़कियों की इज्जत करना चाहिए. बोलो बोलो, आओ 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 ले आओ ले, बोलो ले. हाँ आएंगे आएंगे, इधर तक आएंगे. બોલો બોલો, ટીવીમાં આવશે, બોલો જન બોલો. ઇટ્સ વેરી ગુડ, બહોત અચ્છી મૂવી હૈ, સ્પેશિયલી ઓલ ગર્લ્સ કે લિયે બહોત અચ્છા મેસેજ હૈ. સો મેં પૂરી ટીમ કો બેસ્ટ ઓફ લક કહેના ચાહુંગી, ઓર બહોત અચ્છી મૂવી હૈ, સબકો દેખની ચાહીએ. ઓલ 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 એક્ટિંગ સબકી અચ્છી હૈ, ઓર જીત કુમાર જી તો ઓલવેઝ બેસ્ટ. ઓર ઇસ તરહ કી ફિલ્મે આતી રહેના ચાહીએ, પૂરી સોસાયટી કે લિયે બહોત અચ્છી બાત હૈ. થેન્ક યુ. बेटियों की बल्ले बल्ले बहुत बहुत ही अच्छी पिक्चर है, और बेटियों के लिए ऐसी पिक्चरें बनती रहनी चाहिए. बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है हम लोगों को ऐसी पिक्चरों से. हाँ हाँ पक्के बननी चाहिए ऐसी पिक्चरें. एक्टिंग अच्छी की है सर, 4 स्टार देंगे. एक्टिंग तो बहुत बढ़िया थी, और स्टोरी के बारे में आगे इनसे पूछिए. और ये मूवी में बताया गया है कि कॉलेज में जो भी लड़कियां हैं उन लोगों को कैसी टाइप की गलतियां नहीं करनी चाहिए. ये मूवी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, ऐसी मूवियां बनानी चाहिए, और हमें अपने परिवार के साथ ये मूवी देखने जाना चाहिए. हाँ इससे हम लोग को खुद के लिए खड़े होने का, हम लोग के खुद के लिए स्टैंड लेने का पार मिलता है ये मूवी देखने से. हाँ थैंक यू. Thank you.
एक कैमरा इधर ही लेके एक कैमरा गेट संभाल अरे ले रहे हम लोग निकल लेते ना सबको ऐसा निकल लेने में निकाल देंगे हाँ निकाल तो देंगे निकल इतनी जगह है यार हाँ तो हमें दूर ही है इतनी जगह है निकल ही रहना भाई साहब यार ऐसे आप क्या कर रहे हैं यार अरे मगर यार इतनी जगह निकल के पब्लिक निकल ही नहीं है यार मनोज जी से बात करते हैं मेरा नाम हीर नायक है मैं अभी अभी बेटियों की बल्ले बल्ले देख के आई हूँ बहुत ही अच्छी फिल्म है गर्ल पावर के लिए बहुत ऐसे इंस्पिरेशन है गर्ल्स के लिए गर्ल्स को लड़ने का एकदम ऐसे दिया है वो लोग ने कि लड़कियाँ कैसे लड़ सकती है लड़कियाँ भी कम नहीं है लड़कों से हाँ वो पूरे फैमिली को विद फैमिली देखना है ऐसी फिल्म है हाँ मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि एक लड़की भी कुछ कर सकती है लड़कों से कम नहीं होती एक लड़की सर सर कितनी बार दोगे तुम पांच बार दे बोलो वैसे मूवी अच्छी थी इंस्पिरेशन मिला कि हमें स्ट्रांग होना चाहिए डरना नहीं चाहिए हाँ और वो लागू भी होना चाहिए सिर्फ मूवी में नहीं होना चाहिए थैंक यू कहना को फिल्म के बारे में बहुत ही अच्छी फिल्म है ये और जो लड़की लोगों के लिए जो लाइफ जो है वो कैसे जीनी चाहिए और क्या कॉलेज लाइफ में जो गलत जो चीज़ हो रही है उसके सीखने के लिए बहुत कुछ अच्छा बताया गया है और उससे कैसा लड़ना चाहिए और जो कॉलेज लाइफ में होता है वो नहीं होना चाहिए उसके लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है फिल्म में बदलाव आना चाहिए लड़की लोगों को और कॉलेज दो लाइफ होती है उसमें बहुत बदलाव आना चाहिए सब देखने के बाद लड़की लोग के बारे में हम लोग को ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी है और लड़की लोग के जो कॉलेज की लाइफ है वो उसको कैसे जीनी चाहिए माँ बाप कैसे मैनेज करके उसको पढ़ाते हैं लेकिन उसकी लाइफ कहाँ जाती है वो लड़की को खुद को सीखना चाहिए ये लाइफ में और ये पिक्चर हमको लड़की लोग के लिए बहुत अच्छी लगी और लड़की लोग को साथ साथ और सपोर्ट हर समाज के व्यक्ति करना चाहिए उसको आज के बच्चे लोग को जो भी है जनरेशन के हिसाब से जो नई पीढ़ी वाले को जो सीखना है ना वो हिसाब से बहादुरी के हिसाब से सीखना चाहिए कुछ खुद की हिम्मत की तरफ से खुद को हिम्मत आना चाहिए हिम्मत से लड़ो आगे बढ़ो और ज्यादा तक जो सताने वाला पीछे के बच्चे लोग जो कॉलेज बच्चे लोग आज के यंगस्टर पीछे सताते उसको दमदार से उसको पीछे वो करो नहीं एक बहुत अच्छा फिल्म है बेटी के लिए जो और आगे बढ़ना चाहिए बेटी बचाओ और आगे बढ़ाओ बचाओ दोनों चीज शिक्षण दो पढ़ाई दो वो हर चीज में आजकल के बढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ ओके मेरा नाम जानवी है मैं आज मूवी देखने नहीं आ रही थी लेकिन पापा ने जबरदस्ती किया मूवी बहुत अच्छा था लड़कियों को बहुत प्रेरित किया मूवी ने काव्या दी और राधिका दी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया थैंक यू ऑफकोर्स बहुत अच्छी मूवी थी सीखने भी मिलता है बहुत कुछ मैं नहीं आने वाली थी पापा लेके आया समाज में ये मैसेज मिलना चाहिए कि जो बेटियों की बल्ले बल्ले उसमें जो दिखाया गया है तो बेटियों को कैसा रहना चाहिए
जो इसमें बताया गया है कि जो भारत ने जो बताया कि बेटियों को कैसे रहना चाहिए वो खास इम्पोर्टेंट है देखने के लिए। अगर अगर बेटियां अपने आप स्ट्रांग होती है तो ठीक है, नहीं तो ये पिक्चर एक बार एक दो बार ये मूवी देख लेगी तो दो लड़कियां दूसरी चार को बोलेगी, चार छह को बोलेगी, उसके माध्यम से ये ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को पता चलेगा कि समाज में किस तरह से रहना चाहिए। गवर्नमेंट की भी मूवी में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, उससे कुछ नहीं होता है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ सब बोलना है, बोल के उसको कैसे प्रूव करना है कैसे लागू करना है ये इस फिल्म में दिखाया गया है। लड़कियां आए देखे तो उसे खुद रियलाइज हो जाएगा, हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या है, अगर एक बेटी देखेगी तो दूसरी चार बेटियों को बोल सकेगी कि आप देखो ये मूवी को, बनती रहना चाहिए, परफेक्ट बनती रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। ऐसी फिल्में और निकलनी चाहिए और लड़की लोग को प्लीज घर के बाहर निकालो और उनको क्लासेस और वो सब ज्वाइन करने बोलो, जैसे फिल्म में बोला गया है कराटे क्लासेस और वो सब प्लीज ज्वाइन करने दीजिए। थैंक यू। संदेश वाला पिक्चर अगर कोई हर कोई बनाना चाहे और हर कोई बनावे, हर कोई डायरेक्टर ये सोचे कि ऐसा ही शुभ संदेश वाला पिक्चर बने तो ये इंडिया की पब्लिक जागरूक हो सकती है, इंडिया की बेटियां जागरूक हो सकती है और एक अच्छे विचार वाले जो मूवी है अच्छे विचार वाले ही बनने चाहिए, जैसा ये पिक्चर बनाया ऐसा अच्छे विचार वाले ही पिक्चर बनना चाहिए, बस यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा पिक्चर था। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा किलो हमारा जो कड़िया समाज है वहाँ के हमारे बॉम्बे के प्रमुख है दिलीप भाई काचा और उसने प्रोत्साहन दिया कि भाई ये फिल्म अच्छी है और घर परिवार के साथ में देखने लायक है और लड़की लोगों को अच्छा सा प्रोत्साहन मिलेगा, उसको लड़की लोग कॉलेज में जब जाती है तो क्या क्या होता है और क्या उसको होना चाहिए उसकी सेफ्टी के लिए वो सब हम लोग ने इस फिल्म में देखा और ऐसी फिल्म बहुत ही अच्छी लगी सब लोगों को और ऐसी होनी चाहिए फिल्म आगे बढ़ने की। थैंक यू दिलीप भाई ये जो बेटियों के बल्ले बल्ले पिक्चर है वो हमारे समाज के बेटियों को हिम्मत मिले आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले उस टाइप की पिक्चर है, इसके लिए समाज की सारे बेटियों को यहाँ पे हमने पिक्चर के लिए खास तौर से निमंत्रित किया था और हमारे सभी समाज के लोग यहाँ पे आए और ये शो पूरा हाउसफुल रहा और सबको पिक्चर एक ही आवाज में पसंद आई और सबने बोला बेटियों के बल्ले बल्ले।